फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बाजू पर डिजाइन बनाने का तरीका बता रही हूँ। जैसे ही हमारी बाजू है, इसमें मैं डोरी का डिजाइन बनाऊंगी। इसमें आगे बॉर्डर भी है, डिजाइन हम इस बॉर्डर से ऊपर तक बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये डोरी तैयार की है और ये सीधी पट्टी है जो मैंने सिलाई करके इसको सीधा कर लिया, और ये डोरी है जो हम डोरी इसमें डालेंगे। डोरी बनाने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके बाद हम डिजाइन के लिए मैंने यहाँ से यहाँ तक ये नाप के इसकी बुकरम की कटिंग की है। बुकरम की लंबाई 8.5 इंच है, तो इसमें हम ऐसे निशान लगाएंगे। सबसे पहले ऐसे बुकरम को इस तरह से मोड़ के ऐसे, और जितना आपको बीच में गैप देना है, जितना चौड़ा आपको डिजाइन बनाना है, आप उसी के अनुसार इसमें निशान लगा सकती है। जैसे कि मैं बीच की जो चौड़ाई होगी जिसमें डिजाइन बनाऊंगी वो 2 इंच लूंगी, इसलिए मैं 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी। ऐसे खुल के ये 2 इंच हो जाएगा, 1/2 इंच ऊपर छोड़ दूंगी इस तरह से यहाँ पे, और 1/2 इंच का निशान इस साइड लगेगा। अब 1 इंच का निशान मैंने ये लगा लिया और 1 इंच का निशान मैं इस साइड लगाऊंगी। ये निशान लगा के इसको ऐसे सीधे रख के इसकी हम कटिंग कर देंगे ऐसे। अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी, जो बीच में से बुकरा में इसको निकाल दें इस तरह से ऐसे। अब जैसे मैंने ये बुकरम बीच में से बुकरम को निकाल दिया, इसके बराबर देखो मैंने बीच में से इस बुकरम को निकाल दिया। अब इसके बराबर हम एक टुकड़ा लेंगे ऐसे, इस टुकड़े के ऊपर इसको रख के सबसे पहले ऊपर को सीधी सिलाई लगाएंगे बड़ा नंबर करके, फिर हम दोबारे इसको ऐसे बुकरम को दबाते हुए चारों तरफ से कपड़े को ऐसे ऊपर चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने इस बुकरम के टुकड़े को ऐसे तैयार कर लिया, अब हम इसको बाजू पर लगाएंगे। बाजू में हम ऐसे लगाएंगे, ऐसे बाजू को इस तरह से मोड़ के, और इसके ऐसे एकदम बिल्कुल ऊपर बीच में ऐसे कट लगाएंगे ऐसे। फिर इसके बाद हम इसको इस तरह से करके इस पर निशान लगा देंगे ऐसे, ताकि जब हम इसमें डिजाइन लगाए ये एकदम बीच में आ जाए। इसको खोलने के बाद ऐसे ये निशान को हम इस तरह से चमका देंगे ऐसे। फिर इसको भी इस तरह से मोड़ेंगे ऐसे, दोनों तरफ ऐसे चाक से निशान लगा देंगे ऐसे। अब इसको ऐसे बीच में रखेंगे ताकि ये लाइन हमारी नीचे भी चमके, इसके भी एकदम बीच में और ऊपर भी। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे बुकरम से नीचे ऐसे, इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा दें। जैसे ये मैंने इस पर लगा लिया, अब इसके जो अंदर का कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे ऐसे। पूरे कपड़े को इस तरह से निकाल देंगे, और जो हमारा यहाँ पे बीच में है यहाँ पे ऐसे तिरछा कट लगाएंगे। जोर जैसे मैंने ये सिलाई लगा के इसकी कटिंग करके इसको तैयार कर लिया, अब इसको अंदर की साइड ऐसे मोड़ देंगे। इसको ऐसे पूरे को अंदर करके ऐसे, यहाँ से जहाँ मैंने कट दिया था यहाँ पे हम ऐसे हल्का सा इसको खींच लेंगे ऐसे, जिससे ये सलवटे है ये इसकी सलवटे निकल जाएगी ऐसे। अब इसको ये देखो ये सीधा होगा। अब इसके बाद हम इसमें ऐसे कच्ची सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। जैसे मैंने ये सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया, अब इसके बराबर मैंने एक ही कागज़ का टुकड़ा लिया है। इसमें हम इसके बाद इसके लिए मैंने जो मैंने ये पट्टी सीधी पट्टी सील के सीधी की थी, मैंने इसके 2.5-2.5 इंच के टुकड़े कर लिए। अब हम इसको इस तरह से लगाएंगे ऐसे, 1-1 इंच की दूरी पे ये दोनों तरफ हम ऐसे ये लगा देंगे ऐसे, इस साइड भी और उस साइड भी। जैसे मैंने दोनों तरफ ये इसके कुंडे लगा के इसको तैयार कर लिया, अब हम इसको ऐसे डिजाइन पर लगाएंगे। इसको इस तरह से रख के और इसके बीच में ये रखेंगे ऐसे, इससे अखबार से हमारे जो इसमें बीच में डिजाइन बनाते हैं वो बराबर लगता है और छोटा बड़ा भी नहीं होता।
ऐसे करके इसके हम चारों तरफ ऐसे सिलाई लगा देंगे ऐसे किनारे पे। जैसे मैंने इस पे ये सिलाई लगा के ये नीचे पेपर है इसको तैयार कर लिया। अब इसके बाद मैं इसमें ये डोरी इस तरह से डालेंगे ऐसे। इस तरह से इसमें एक छोड़ के ऐसे दूसरी साइड इस तरह से जो ये मैंने एक ये जो कुंडे बीच में छोड़ती जा रहे हैं ये हम जब दूसरी साइड से आएंगे तो तब इसमें को ये डोरी निकालेंगे ऐसे। जैसे ही मैंने पूरी गुंडी में को डोरी निकाल के इसको यहाँ तक ले आई। आप चाहो तो इसमें नीचे फुंदले या मोती लगा के इसको यहाँ बांध भी सकते हो। वैसे मैं इस डिजाइन में इसको ऐसे अंदर की साइड करके और इसमें सिलाई लगा दूंगी ऐसे, जिससे इधर उधर भी नहीं फैलेगी इस तरह से। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस पे डोरी को बाहर रख के इसमें फुंदले लगा के गांठ लगा सकती हो। ये हमारा डिजाइन तैयार हो गया। इसके बाद जैसे कि ये नीचे अखबार है इसको मैं हटा दूंगी और मैंने यहाँ पे इस पे सिलाई भी लगा दी। ये जो अखबार था ये नीचे से निकल गया। ये हमारा बाजू का डिजाइन बन के तैयार होगा। अगर आपको हमारा डिजाइन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।